गुड मॉर्निंग। आज हम मोमेंट्स और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। उससे पहले मोमेंट्स से बात करने से पहले हम एक्सपेक्टेशंस, ऐसे आपके इन जनरल भाषा में बोलते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है किसी के आने की, क्या क्या नहीं आने की, तो किसी भी रैंडम वेरिएबल्स का एक्सपेक्टेशन, उसके बारे में मैंने पहले दो लेक्चर्स में आपको आइडिया दे दिया था। इसमें थोड़ा सा रिविज़न करें उसका, कि एक्स कोई डिस्क्रीट वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास, तो हमारे पास किसी फंक्शन की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, दैट इज द फंक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मल्टीप्लाइड बाई द प्रोबेबिलिटी। और इसको हम डिस्क्रीट के केस में हम सम कर देते हैं, और कंटिन्यूस के केस में हम इसको हमने पूरे पूरे रीजन पर, यानी कि पूरे पूरे टाइम लाइन पर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, या पूरे पूरे रीजन पर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो दीज आर द एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर द फंक्शन। इससे पहले मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, वो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे इन जनरल किसी फंक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लें तो हमारे पास डिस्क्रीट वाले केस में और रैंडम वेरिएबल वाले केस में ये दो चीज़ें सामने आते हैं। अब मोमेंट्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल्स, मोमेंट, kth मोमेंट किसी भी रैंडम वेरिएबल का इज डिफाइंड एज, इज डिनोटेड बाई म्यू के, एंड दिस इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर के। हमारे पास जो डिस्क्रीट के केस में, तो हमने समीशन ले दिया और एक्स पावर के मल्टीप्लाइड बाई द उसका जो प्रोबेबिलिटी है, और कंटिन्यूस के केस में हमने पूरे टाइम लाइन पर या पूरे स्पेस पर हमने इंटीग्रेट कर दिया मल्टीप्लाइड बाई द फंक्शन, जो उसका जो डेंसिटी फंक्शन है उससे हमने उसके मल्टीप्लाई कर दिया और ओवर उसके पूरे पर इंटीग्रेट कर दिया। अब सेंट्रल मोमेंट ऑफ एक्स, सेंट्रल मोमेंट्स यानी कि मोमेंट्स, यानी कि आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मीन, सेंट्रल यानी मीन इज़ द सेंटर, और मीन के साथ में हम कोई मोमेंट लेते हैं या कोई डिफरेंस लेते हैं या कुछ भी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल मोमेंट या सेंट्रल वैल्यू। तो म्यू के ज़ीरो यानी कि ज़ीरोथ मोमेंट इज़ द, व्हेन वी पुट के इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि आपके पास म्यू के ज़ीरो ई टू द पावर एक्स माइनस म्यू की पावर के, और ये हमारे पास डिस्क्रीट के केस में एक्स माइनस म्यू तो यूँ के त्यों आ गया, यानी एक्स की जगह रैंडम वेरिएबल ने वैल्यू एक्स ले ली, म्यू की जगह द सेम म्यू मल्टीप्लाइड बाई द प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से पूरे पूरे कंटिन्यूस के केस में हम पूरे पूरे स्पेस में, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, और सेम बाकी सारी सेम है ये, पी एक्स की जगह पर एफ एक्स हो गया, या पी एक्स इज़ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जैसे हमने डिस्क्रीट के केस में डिफाइन किया था, और दिस इज एफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो कि हमारे कंटिन्यूस के केस में। यहाँ पे वेयर म्यू इक्वल टू म्यू वन ई एक्स द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एक्स, ई म्यू वन को हमने फर्स्ट मोमेंट बोलते हैं। अब रूल्स क्या हैं एक्सपेक्टेशंस के, एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ आपको, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट वो सेम रहती है क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी, उसका मतलब हुआ ए बाहर आ जाएगा ई एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, और क्योंकि बी में कोई चेंज नहीं है, बी कॉन्स्टेंट है, तो उसको हम एज इट इज़ ऐड कर देते हैं। वेरियंस ऑफ एक्स जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको सब कुछ बताया था आपको, दिस इज म्यू टू ज़ीरो, और इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, मीन्स दिस इज़ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, डेविएशन फ्रॉम द मीन हम इसको करें तो म्यू तो फिक्स है, तो फिक्स के लिए तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर यानी म्यू टू माइनस म्यू वन स्क्वायर। ऐसे वेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स जो पिछले लेक्चर में था। अब आती है बात मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज़ टू पावर टी एक्स। यहाँ पे एक्स रैंडम वेरिएबल है, एंड दिस कैन वैल्यू टेक वैल्यू फ्रॉम एनी रेंज। डिस्क्रीट के केस में ये आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कोई भी, और कंटिन्यूस के केस में एक आपके पास एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू होगी कोई सी। दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर टी एक्स मल्टीप्लाइड बाई पी एक्स, यहाँ पर एक्स डिस्क्रीट है, और दिस इज ई टू द पावर टी एक्स इंटू एफ एक्स, एक्स कंटिन्यूस है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। यहाँ पर हमने पूरे पूरे रीजन पर सम अप कर दिया है, यहाँ हमने पूरे पूरे रीजन पर इंटीग्रेट कर दिया है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है पी एक्स, दैट इज डिफाइंड एज एन सी एक्स पी की पावर एक्स इंटू वन माइनस पी, यानी कि ये आपके पास एन एक्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू एन सी एक्स
एन सी एक्स एंड दिस इज फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन एन माइनस एक्स इन टू फैक्टोरियल एक्स. तो दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एक्स. ई टू पावर टी एक्स ले लिया और इसका प्रॉबिलिटी मास फंक्शन ले लिया. ई टू पावर टी एक्स एज इट इज है, ये प्रॉबिलिटी मास फंक्शन की हमने वैल्यू रख दी और इसको हमने थोड़ा सा मैथ्स लगा दिया हमने. तो ई सिग्मा एक्स इक्वल टू जीरो टू एन एन सी एक्स ई टू पावर एक्स ए एक्स बी की पावर एन माइनस एक्स और यहाँ पे ए प्लस बी की पावर एन दैट इज इक्वल टू ई टू पावर टी पी माइनस प्लस वन माइनस वन की यानी ई टू पावर टी पी को हमने ए ले लिया है और वन माइनस पी को हमने पी ले लिया है. दिस इज ए और दिस इज बी तो ये हमने एन. तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि इसके मीन आया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एक्स बायनोमियल फंक्शन का एक तरह से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आया. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास जो पी एक्स होता है दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज डिफाइंड एज इट लैम्डा पावर एक्स डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एक्स इट पावर माइनस लैम्डा. ये हम डिटेल में दोबारा से और पढ़ेंगे. इसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है बिल्कुल सेम वे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू पावर टी एक्स पी एक्स की जगह हमने ये रख दिया और ई टू पावर माइनस लैम्डा ये जो आ रहा है ये कॉन्स्टेंट है इसको हमने बाहर कर दिया और ये हमारे पास अंदर सारा का सारा इस फॉर्म में आ गया और ये ई टू पावर लैम्डा ई टू पावर टी का एक्सपेंशन है तो इसको हमने इस तरह से ले लिया. तो ई टू पावर माइनस लैम्डा इंटू ई टू पावर लैम्डा ई टू पावर टी यहाँ पर इस फॉर्मूले को हमने यूज़ किया है इसको और ये फाइनली ई टू पावर लैम्डा इंटू ई टू पावर माइनस टी माइनस वन दिस इज द एम जी एफ यानी मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ ई टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल और लेते हैं. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है. यहाँ पे आप देखिए समेशन नहीं आ रहा और एक्स ग्रेटर दैन जीरो पर एक्स की फॉर्म में इसका वो डेंसिटी आ रही है प्रोबेबिलिटी इसकी एक्स के फॉर्म में ही दी जा रही है. तो एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स इसका डेंसिटी फंक्शन है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू पे हमारे पास ये है और नेगेटिव वैल्यू पे इसकी वैल्यू जीरो है. तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन यानी बिल्कुल उसी तरह से ई टू द पावर टी एक्स ये तो सेम वो है दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर टी एक्स एफ एक्स डी एक्स और ये सारे के सारे हमने यहाँ पर रख दिए वैल्यू रख दी और थोड़ा सा मैथ्स लगा दिया तो फाइनली हमारे पास लैम्डा के अपॉन लैम्डा माइनस टी यानी ये हमारे पास आया और अनडिफाइन हुई इसकी वैल्यू ज़्यादा के लिए. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेना दिस इज अगेन ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है. इसमें म्यू इज इक्वल टू जीरो था स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में और सिग्मा यानी वेरियंस या स्टैंडर्ड डेविएशन इसका वन होता है. तो फाइनली इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो डेंसिटी फंक्शन है वो निकल के आता है वन अपॉन रूट टू पी आई ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू. अगेन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू पावर टी एक्स एफ एक्स की जगह पर हमने ये रख दिया और ये रखने पर हमारे पास ये इसको कैलकुलेट किया हमने और फाइनली हमारे पास ये एक मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की फॉर्म आई. इसको हम थोड़ा सा और मैथ्स लगा दिया हमने यहाँ पे थोड़ा सा और मैथ्स लगाने पर हमारे पास ई टू पावर टी स्क्वायर बाई टू आया तो इसकी वैल्यू वन होती है यानी दिस इज़ द पी डी एफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पी डी एफ है. अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की. अभी हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखे कुछ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सबसे पहले एम एक्स ज़ीरो यानी कि ज़ीरो की मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फिर मिलें तो वन होता है ये हमने निकाल लिया. बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसा निकाला था वो ये रहा एक समरी है. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रहा एक्सपोनेंशियल के लिए ये रहा स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए और गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है उसके लिए ये होगा इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. एम एक्स टी यानी कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसको हमने इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू पावर टी एक्स है और यहाँ पर वी यूज द एक्सपेंशन इसको इस एक्सपेंशन से हम कर सकते हैं. इसके हमने ये डेरिवेशन भी निकाला है यहाँ पर दिस इज द डेरिवेशन यानी ई टू पावर टी एक्स वन प्लस टी एक्स का इसका होल स्क्वायर और डेरिवेशन निकाल दिया. एम एक्स के यानी कि हमने जीरो के लिए लिया तो वो म्यू क्यू आ गया जैसे हमने इसका जो मैंने बताया ना आप यहाँ पे एम एक्स जीरो कैसे आया वो ये डेरिवेशन यहाँ पे हैं. एम एक्स टी हमने ले लिया इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास ये आया वैल्यू जीरो रख दी तो ये म्यू वन आ गया तो बाकी सारे तो जीरो हो गए. डबल डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास म्यू टू से स्टार्ट हुआ यहाँ से स्टार्ट हुआ तो म्यू टू से स्टार्ट करने पर फिर टी इक्वल टू जीरो का रख दिया तो केवल म्यू टू आ गया.
यानी कि हमारे पास टी इक्वल टू जीरो रखते चले गए हैं और डिफ्रेंशिएट करते चल रहे हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को, हमारे पास फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट एंड सो ऑन ये जनरेट होते चले जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास एम के एक्स जीरो पर म्यू के जनरेट होता है। प्रॉपर्टी थ्री, दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी वन इसके, इज वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मोमेंट ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स। सबसे काम की है ये वाली हमने, क्योंकि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वैल्यू जीरो रख रहे हैं, तो हमारे पास मोमेंट्स बनते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं। अब एक एग्जांपल लें, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल लें। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे हमने डिराइव किया था कि जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो ई टू द पावर टी पी प्लस वन माइनस पी की पावर एन आया है। हमने इसको एक बार टी के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, वैल्यू जीरो रख दी तो फाइनली हमारे पास म्यू आ गया, सेम एज द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू मीन। दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दिया हमने, थोड़ा सा मैथ्स लगाया और फाइनली हमारे पास म्यू टू आया। दिस इज एन पी स्क्वायर इंटू एन पी क्यूब, दिस इज द वेरियंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल मैथ्स लगाने पर हमारे पास, थोड़ा सा मैथ्स लगाने पर ये डेरिवेशन हमने निकाल सकते हैं। ऐसे ही पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमने, ये हमारे पास एम जी एफ है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आई, इसको दो बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया, तीन बार किया है तो ये हमारे पास आता है। और टी इक्वल टू जीरो रख दें, यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो रखने पर हमारे पास क्या आएगा, ये तो वन हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो लैम्डा रह जाएगा केवल। यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो रखेंगे हमारे पास तो ये तो पूरा ख़त्म हो गया, लैम्डा स्क्वायर आ गया और यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा हो गया। इसी तरह से तीसरा मोमेंट निकाल सकते हैं हम, टी इक्वल टू जीरो रखते हैं तो ये हमने निकालिया लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, लैम्डा क्यू प्लस थ्री स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट हमने निकाल लिए। अब मोमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस बात करें, उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है ई टी स्क्वायर बाई टू, जैसे पहले कैलकुलेट किया है, इसको हमने एक्सपेंड किया है। यहाँ पे एक्सपेंड करने पे हमारे पास ये फॉर्मूला आया है एम एक्स टी का, और इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, सिंपल मैथ्स है, केवल एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स या ई रेज़ टू पावर टी का डिफरेंशिएशन है, वो एक्सपेंशन है। यहाँ पे यू की जगह पे टी स्क्वायर बाई टू हो गया, टी स्क्वायर बाई टू होते ही ये हमारे पास एक डेरिवेशन आ गया। अब के ऑड है तो म्यू के इक्वल टू जीरो है, और के यदि इवन है यानी टू के की फॉर्म में है तो हमारे पास फैक्टोरियल टू के अपॉन टू के पावर फैक्टोरियल के, ये हमारे पास आता है। यानी कि जितने भी ऑड मोमेंट्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वो सारे के सारे ज़ीरो आएंगे, जितने भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे, और जितने भी इवन मोमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास एक फॉर्म में जनरेट होंगे, वन थ्री फाइव सो वन। अब हम एक समरी इसको समाप्त करें, मोमेंट जनरेट फंक्शन रैंडम वेरिएबल का, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ये वाली वैल्यू, कंटिन्यूस के केस में ये मोमेंट्स हो गए, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के इरेस्ट और टी एक्स इंटू पी एक्स करेंगे, ये कंटिन्यूस के केस में। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये हमने निकाला ही था, पॉइजन के केस में हमने ये निकाला था, और स्टैंडर्ड नॉर्मल के केस में भी हमने ये निकाला था। ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि एम एक्स जीरो वन होता है, एम एक्स टी की वैल्यू ये होती है, इसकी एम एक्स टी की पावर ये निकाल तो केथ मोमेंट आता है, और इससे हम सारे के सारे मोमेंट निकाल सकते हैं। लॉग ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है ये, वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है इतनी, तो इसका हम लॉग ले दें। लॉग लेने पर हमारे पास मीन वेरिएंस, यानी कि मोमेंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट आते चले जाते हैं, मीन के रेस्पेक्ट में मोमेंट आते चले जाते हैं इसके। एग्जांपल द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमने ले लिया ये, तो हमारे पास म्यू इक्वल टू एन पी आया, यानी लॉग ले लिया हमने लॉग के साथ में, और इसमें वेरियंस आ गया, एन पी क्यू आ गया। पॉइजन के डिस्ट्रीब्यूशन केस में ये आ गया लैम्डा आ गया, और सिग्मा स्क्वायर भी लैम्डा आ गया, ठीक है। इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल के केस में ये ज़ीरो आया और दूसरा वाला वन आया, ये इसकी समरी है पूरी टेबुलर फॉर्म में। इसमें आप इसको आप हटा सकते हो, बाकी आपको करना है। ये कंटिन्यूस के केस में आपको ये याद रखना है, ये नॉर्मल वाला याद रखना है, और शायद एक्सपोनेंशियल वाला भी है, इसको हटा सकते हो, इसको हटा सकते हो और इसको हटा सकते हो। थैंक यू।